नेरचौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में नेरचौक बाजार के सैकड़ों व्यापारी रेड़ी फेड़ी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। नेरचौक बाजार के व्यापारियों का आरोप है कि त्योहार के इस मौसम में ना जाने कहां से 200 से अधिक रेहड़ी वाले सड़कों पर अपना बाजार जमा कर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं तथा एक लंबे अरसे से वे प्रशासन से इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। व्यापार मंडल के सदस्य स्वयं ही इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। हालत बिगड़ ना जाए इसके चलते SDM बल आशीष शर्मा, SHO बल कमलेश कुमार अपने लाभ लश्कर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तथा 200 से अधिक रेहड़ी वालों का सामान जब्त कर उन्हें थाने ले गए। नेरचौक व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारी तब तक भी डटे रहे जब तक प्रशासन ने सभी रेहड़ी फेड़ी वालों का सामान वहां से नहीं हटाया। नेरचौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोविंद ठाकुर, महासचिव तेजपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिलाष महाजन, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुभाग सिंह लातेशा पलटा, बिट्टू गुप्ता, लहर सिंह ठाकुर, जसविंदर पाल, बबलू मोनू गोयल का आरोप है कि व्यापारी अगर अपनी गाड़ी सड़क पर भी लगाता है तो पुलिस उसका चालान काटती है। व्यापारियों को हर तरफ से प्रशासन पुलिस सभी परेशान कर रहे हैं। बाहर से आए हुए लोगों ने 200 मीटर से अधिक सड़क पर अपने बैट लगाकर कारोबार कर रहे हैं। वे प्रशासन को नहीं दिखता है। एक लंबे अरसे से हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हम लोग मजबूरी पर उतर आए हैं, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा। SDM आशीष शर्मा ने बताया कि उन्हें टेलीफोन पर पता चला कि कुछ व्यापारी नाराज हैं। वे घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर पाया गया कि 200 से अधिक लोग सड़कों पर अपनी रेड़ी पर दुकानें लगाए हुए हैं। उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद व्यापारी खुश है। बाहर से आए हुए लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे यहां दुकानें नहीं लगाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ASP IPS इल्मा अफरोज का कहना है कि सभी बाहरी लोगों को घटनास्थल से हटा दिया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री, नेरचौक के व्यापारियों के कड़े विरोध के बाद बाहर से आए हुए लोगों को बाहर से हटा दिया गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। गोविंद ठाकुर, नेरचौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। नेरचौक व्यापार मंडल की ये सख्त मांग है कि त्योहारों के इस मौसम में व्यापारियों को तंग न किया जाए। अनावश्यक रूप से अगर कोई बाहर के लोग यहाँ पर बाजार लगाते हैं, वे व्यापारियों को कतई मान्य नहीं होगा, उसका कड़े शब्दों में विरोध किया जाएगा। जिन लोगों को इन लोगों के प्रति हमदर्दी है, वे अपनी दुकानों में इन्हें स्थान दें। सड़क पर कोई भी व्यक्ति व्यापारी नहीं कर सकता। हमारी प्रशासन से सख्त गुहार है कि नेरचौक में इस तरह का घटनाक्रम फिर से न हो। आज नेरचौक व्यापार मंडल के 50 से अधिक व्यापारी जो थे, जो सुबह सुबह थे, वो काफी नाराज थे, क्योंकि नेरचौक व्यापार मंडल के जो बीच बाजार है हमारे यहाँ के 200 मीटर के एरिया में कोई 200 से ज्यादा बाहर से ये रेडी फेडी वाले आए थे, इन्होंने दुकानें लगा दी थी। तो उसी के रोष में जो 50 से अधिक व्यापारी जो तो सड़कों पर उतर आए थे, तो हालात को देखते हुए SDM बल आशीष शर्मा जी हैं, जिनसे बातचीत भी हुई थी, वो मौके पे आए। हमारे SHO साहब थे, वो मौके पर आए और उन्होंने सारे वो रेडी फेडी वाले जो हैं यहाँ से बंद किए, उनका सामान जो है पुलिस स्टेशन ले गए थे और उनके ऊपर चलान काटे या क्या किया, वो भी कार्रवाई की, जिसके बाद व्यापारी संतुष्ट हुए। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि मौसम जो व्यापारी है वो पहले ही कोरोना और अन्य कि चलते हुए व्यापारी की कमर टूटी हुई है, व्यापार बिल्कुल नहीं हो रहा है। त्योहारों का मौसम आया हुआ है, कभी व्यापारी का चालान काटा जा रहा है, कभी किसी तरह से काटा जा रहा है। हम लोग एक लंबे अरसे से प्रशासन से मांग कर रहे थे कि इस तरह की रेडी फेडी हमारे यहाँ पे नेरचौक में नहीं लगनी चाहिए, जिससे व्यापारी तंग हो रहा है। हमारे लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, जो पढ़ लिख कर आए हुए हैं, वो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार पर दुकानें ले रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, रेडी फेडी पे माल रखते हैं, पौधे रखते हैं, उनको बेचते हैं, प्रशासन आंखें मूंदे रखा हुआ है उनके प्रति और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे व्यापारी सफर हो रहे हैं, लोग बिना टैक्स के बिना कागज पत्र पे माल ला रहे हैं। कोई बाहर से एक दिल्ली का बैठा हुआ कोई आदमी है, वो यहाँ पर पर्सनल नंबर पे माल मंगा रहा है, ना टैक्स दे रहा है, ना सेल टैक्स दे रहा है, रेडी पर बैठ कर 500 रुपये दिहाड़ी पे जो उसको माल को बेची जा रहा है, और हमारे व्यापारी यहाँ परेशान है। हमारी प्रशासन से पुरजोर मांग है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा व्यापारियों का सहयोग किया जाए तथा व्यापार मंडल इस तरह के लोगों को बिल्कुल नहीं चलेगा। आज जिस तरह से SDM साहब ने हमारे साथ मौके पर आकर वार्तालाप की और एक्शन लिया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं, लेकिन हम उन्हें फिर सचाना चाहेंगे कि अगर उस तरह से लोग फिर बैठते हैं तो व्यापारी फिर सड़कों पर उतरेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे, तथा त्योहारों के इस मौसम में व्यापारियों का सहयोग किया जाए, क्योंकि व्यापारी
सरकार के साथ प्रशासन के साथ हर दम कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करता है। तो हमारा भी इन मौसम में जो त्योहारों का मौसम है उसमें सहयोग किया जाए।